और अभी जो बर्थ आ रहा है इसके लिए ये बनाई जा रही है। और आज मैं अपने कुम्हार समाज यानी कि हमारा जो प्रजापति समाज है जो मिट्टी का काम करता है, आज मैं उनके घर आई हूँ और उन्होंने मुझे बुलाया है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे कि ये दिए हैं, ये अभी कच्चे हैं और ये अभी बनाए गए हैं। देख, आप देख सकते हो कितने सुंदर और कितने अच्छी शेप है दियो की। और ये दिए जो है हमारे घर में जलाए जाते हैं, और हर जब भी कोई हमारे में त्यौहार आए या दिवाली कोई या फिर कोई हमारे घर में पूजा पाठ होती है तो सबसे ज़रूरत इन दियो की पड़ती है। आजकल बनावटी दिए आ गए हैं और आजकल धातु जन चार चार कहते हैं सात तरह के धातुओं के दिए इस्तेमाल करते हैं, उनसे जो काम ना जो उनको काम में ना लेते हुए तो आप काल को घुस रही है। तो ये दिए आप जो काम करोगे ना इन दियो से, और जो हमारी पूजा जिससे सफल होगी मिट्टी के दियो से होती है। तो हमें ना अपना काम जो हमें जो पूजा पाठ है या कोई भी है, चाहे शादी हो कोई भी त्यौहार हो, हमें इन दियो की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और जब हमारे अभी कमुई का जो एक बर्थ आता है वो इससे होता है, यानी कि मिट्टी के बर्तन हर चीज़ में काम आते हैं। जब शादी हो चाहे ब्याह हो, जब तक शादी सफल नहीं होती जब तक हमारे में एक जेघड़ रखी जाती है जिसकी चाक भी पूछते हैं। आजकल पता नहीं लोग पूछते हैं कि नहीं पूछते, लेकिन हकीकत में जब शादी होती है तो चाक की मान्यता जो होती है बहुत ही खास होती है, और जब तक वो नहीं होती जब तक शादी सफल नहीं होती है। और मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो बहुत ही आवश्यकता होते हैं हर त्यौहार में। तो और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर सारे अपने यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ये कमुई है, अभी बर्थ आने वाला है, और मटके भी हैं। ये हमारी खास जो भट्टी होती है जिसमें जिस भट्टी में बर्तन पकते हैं, ये सबसे मेन चीज़ है, ये सबसे मेन चीज़ है। और इसमें पकती है और बहुत ही ये गहरी होती है, आप देख सकते हो इसमें भी छोटे छोटे बर्तन कमुई वगैरह और वो पड़े हैं, बहुत ही खास महत्वपूर्ण है। और ये आप देख सकते हो, ये अभी ये कलर हो रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कच्चे बर्तन हैं, ये अभी त्यौहार आ रहे हैं, अभी जो त्यौहार आने वाले हैं, दियों का इस्तेमाल और कमोई का जो बर्थ होता है कमोई का। और ये देख सकते हो आप, ये अभी दिए कच्चे हैं और जो मैंने दिखाए थे वो थोड़े अभी मतलब जाएंगे वो पकने के लिए, और ये अभी सूख जाएंगे, फिर इनका कुछ होते हैं दिए जिनका कलर करते हैं वो बिना कलर के, ये अभी देखो कच्ची हैं। और मैं आपको दिखा, ये है मिट्टी, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, एक होती है चिकनी मिट्टी और एक होती है काली मिट्टी, ये है काली मिट्टी। मुझे इसलिए एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का क्योंकि मैंने जन्म कुम्हार समाज में लिया है, मैं बेटी कुम्हार समाज की हूँ। और ये आप देख सकते हो, ये काली मिट्टी और ये है लाल मिट्टी, तो इन दोनों को मिक्स करके फोड़ कर ऐसे इसको इसमें हारे में डालते हैं, ऐसे जब ये बिल्कुल पक जाती है, जो मतलब गीली गीली हो जाती है जब ये, इसको ऐसे निकालते हैं, फिर इसको चूनी है, ये इसको चूनी बोलते हैं, इसको चूनी को मिलाकर और इसका एक बहुत ही वजनदार वो बनाते हैं, गोल गोल सा वो बनाते हैं इसका। और उसके बाद फिर ये मिट्टी जाती है ऐसे जहाँ पर ये ढेर लगा हुआ है ना मिट्टी का, ये है मिट्टी ऐसे बनती है और उसमें जाती है, इसको कर देते हैं। और उसके बाद में इसके बाद में देख सकते हो, ये है हमारे जो कि बर्तन बनाते हैं मेन मुखिया, जो कि बर्तन ये देख सकते हो, ये क्या बन रही है सर, अच्छा कमोई है ये, किस लिए, अच्छा अगोई का जो बर्थ आता है उसके लिए है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारे में ये आप देख सकते हो, ये दिए बन रहे हैं। और ये देखो, ये जो है काजल प्रजापति, काजल प्रजापति कौन सी क्लास में पढ़ रही हो,
नाइन्थ क्लास में पढ़ रही हैं और आप देख सकते हो खाली टाइम में अपने पापा की मदद करती हैं और नाइन्थ क्लास में पढ़ रही हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट है हमारी काजल और पढ़ाई में भी जैसे होशियार है ऐसे दिया काटने में होशियार है जैसे दिया काट रही हैं। मैं क्या लगती हूँ आपकी? मैं इनकी मौसी लगती हूँ। और आप देख रहे हो और मेरी यहाँ चाय भी है भाई। चाय कहाँ है मेरी? आज बहुत अच्छा लगता है जब अपने लोगों से मिलते हैं सारे के सारे। और मैं खास लाइव इसलिए आई हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुम्हार समाज कितना मेहनत करते हैं मिट्टी के बर्तनों को। देखो आवश्यकता नौकरी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई नहीं है, नौकरियाँ भी बहुत हैं, नौकरियाँ भी कर सकते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन मिट्टी का काम वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो पुस्तनिक उनका काम है। अगर हम अपना मिट्टी का काम छोड़ देंगे, क्या बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो छोड़ दो मिट्टी का काम, बच्चे भी परेशान होते हैं, हम भी परेशान होते हैं, तो हम कहीं पर नौकरी कर लेते हैं, अच्छा अपने राजा बाबूजी की तरह रहेंगे। लेकिन जो एक प्रजापति समाज की जो धरोहर है और जो पुस्तनिक से जो काम चलता आ रहा है उसे कुम्हार समाज कभी नहीं भूल सकता और ना ही कभी छोड़ सकता। तो ये जो है हमेशा चलता आया है, चलता आए जिंदगी भर चलता रहेगा, क्योंकि एक जो मिट्टी है, जो मिट्टी से जो एक कलाकारी है, जो इतने अच्छे सुंदर सुंदर, जैसे कि आपको पता है कि प्रजापति समाज का नाम भी एक इसलिए दिया था कि जब तीन लोग एक चाक पर बैठे थे तो एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, तो क्या हुआ था कि ब्रह्मा ने गन्ने दिए थे सबको, एक एक दिया था, लेकिन कुम्हार इतना बिजी होने के कारण उस गन्ने को नहीं खा पाया, तो उसने अपने चाक के नीचे वो गन्ना घुसा दिया। तो उसके बाद में दक्ष जब ब्रह्मा आए उतर कर, तो उन्होंने बोला कि भाई जो जो आपको वो गन्ने दिए थे वो वापस कर दो, लेकिन बिजी होने के कारण, व्यस्त होने के कारण जो कुम्हार था उसने गन्ना नहीं खाया और कुछ दिन बाद वो गन्ना निकाल के ब्रह्मा को दे दिया। तो उन्होंने कहा था कि असली कुम्हार जो हो आप, असली प्रजापति जो हो आज से आप हो, क्योंकि आपने आपकी जो मेहनत है, आपकी जो लगन है, उसको देखते हुए मैं आपको ये नाम दे रहा हूँ। और जब बाजू से उन्होंने दक्ष प्रजापति को जन्म जब निकाला था और उन्होंने सृष्टि का निर्माण करने के लिए दक्ष प्रजापति को जन्म दिया था, उन्होंने भूमि की रचना करने के लिए उन्होंने को दिया था, जिसमें भोले बाबा भी थे, लेकिन किसी कारण के बस कुछ भी हुआ, वो कहानियाँ चल रही हैं, आप भी देख रहे हो कहानियाँ तो चलती रहती हैं। लेकिन मिट्टी का काम जो कर रहे हैं, मैं उनसे खास अपने पूरे जो मेरे पूरा इस लाइव को देख रहे हैं उन लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे। वो इसलिए कर दे शेयर क्योंकि पूरे ऑल इंडिया में जहाँ भी कुम्हार समाज रहता है, जो कुछ गरीब भी हैं, कुछ अपनी मनमानी से काम करते हैं कि उनको उनकी पुस्तनी काम है उसको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन जो गरीब कुम्हार है, जो बेचारे फुटपाथ पर अपना सामान बेचकर गुजारा करते हैं, जो दीपावली पर अपना दिए ले जाके, कमोई ले जाके, मटके ले जाके और रंग बिरंगे दिए ले जाके उनको बेचते हैं, तो उनका आप आपके इस दिवाली ज़रूर ख्याल रखें। इसलिए ख्याल रखें क्योंकि अगर हमारे हाथ में, अगर हम 10 रुपए के दिए लेंगे, 50 रुपए के दिए लेंगे, 100 रुपए के दिए लेंगे, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, लेकिन वो 100 रुपए और 50 रुपए शायद उस प्रजापति या कुम्हार को जो बेचारा दिए बेच रहे हैं उनके लिए, शायद उनके लिए वो बहुत हों इस दिवाली। तो आप हर किसी को खुश करें इस दिवाली और हर किसी की मदद करें और सबको इस त्यौहार पर हर किसी को खुश करें। और मैं भी अपने भाइयों से और इनसे वादा करती हूँ कि मेरे घर पर, मेरे आस पड़ोस में जितने भी दिए जाएंगे और जितने भी मेरे कॉलोनी में दिए जाएंगे, वो दिए मैं खुद उन लोगों को अब के भेंट करूँगी अपनी तरफ से। और मैं पूरे दिल्ली वासियों से, जितने भी दिल्ली वासियों जी हैं मेरे, और उन लोगों से भी मैं अपील करती हूँ कि अब के आप दिए मिट्टी के जरूर अपने घर को चमकाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए मिट्टी के दियों का जरूर इस्तेमाल करें। हालांकि सरसों का तेल लगता है, लेकिन सरसों का तेल और मिट्टी की जब कॉम्बिनेशन मिलती है और सर की जितनी भी गलत तलत आत्मा, जो भी हमारे घर की नेगेटिव जो होती है हमारे घर में, वो सारी की सारियों को ख़त्म कर देती है मिट्टी का दिया और सरसों का तेल। तो इस चीज़ को आप खास ध्यान रखें। हम मटके में पानी पीते हैं तो हमारे लिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है वो।
अगर हम मिट्टी के बर्तन में खाना खाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते हैं, आजकल आपको पता है गुजरात में ऐसी ऐसी चीज़ें फ्रीज तक चल गया है और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे मिट्टी के बर्तन बनाती हैं, अगर ज़्यादा दूर तक उनको फेंकोगे तब भी नहीं टूटेंगे और उन्हीं में ही हर कोई इस्तेमाल करता है। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर खास रखें। मैं आरती प्रजापति दिल्ली से तो आप लोगों से अपील करती हूँ कि अब के इस दीपावली आप लोग मिट्टी के दिए ज़रूर खरीदें, क्या पता किसकी आप चेहरे पर मुस्कान दे सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और मेरे जितने भी भाई जितने भी दिख रहे हैं, मेरी 36 बिरादरी अगर मुझे देख रही है तो उन लोगों से भी बस एक छोटा सा शेयर मांगती हूँ कि वो शेयर कर देना, ताकि हमारे किसी भी भाई को, आजकल तो क्या है कि कुम्हारों से बर्तन खरीदते हैं, कोई और भी बेचते हैं, बहुत सारी कास्ट है जो बेचते हैं, लेकिन मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ, देखो किसी को भी आप ये ना कहो कि ये कौन है क्या नहीं, हम सभी भाई हैं इस धरती पर, जितने भी हैं एक ही हम लोग, एक ही हमारे अंदर खून है अगर काट के देखो तो। लेकिन आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप लोग ना बिल्कुल दिल ना दुखाएं दिवाली, और इस दीपावली पर आप लोग सबके चेहरे पर स्माइल ज़रूर दें, और सबका जो भी है मिट्टी के बर्तन जो बेचारे फुटपाथ लगा रहे उनको ज़रूर खरीदें। कुछ लोग कहते हैं कि मिट्टी का बर्तन इतने का आता है, स्टील का ले आएँ और स्टील का बर्तन काफ़ी दिन तक चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उसमें मिट्टी के बर्तन में और स्टील के बर्तन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है, कोई लोग होता है पीतल का तांबे का बर्तन आजकल ले रहे हैं कि कहने पानी उसमें अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, जो मिट्टी का काम मिट्टी का जो मटका काम कर सकता है वो कुछ कोई भी बर्तन काम नहीं कर सकता। जय हिंद जय भारत। और मैंने इनसे प्रॉमिस कर दिया है और जल्दी से इन लोगों के बीच में फिर दोबारा आऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय दक्ष, जय प्रजापति।